क्या फटाफट से दो पेज छोड़ दीजिएगा याद करके, ताकि कोई भी चीज डिस्कशन के दौरान अगर नई निकल के आती है तो अपन उस पर बात कर लें, है ना भाई? क्योंकि अभी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो छोटी छोटी हैं लेकिन काम की निकल के आती रहेंगी, है ना भाई? ये एक ऐसा चैप्टर है जो नॉर्मली ये माना जाता है कि फिजिक्स का है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ओरिजिनली ये मैथ्स का है ना। हाँ, और एक्चुअल में जो स्टूडेंट है वो यहाँ ज़्यादा सीखता है वेक्टर के बारे में, ठीक है? हालांकि हम लोग शुरुआत जरूर वही फिजिक्स वाली करते हैं कि दुनिया में क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, याद है आपको? तो बस वही अपन तो जितना फिजिक्स जानते हैं उतने भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? सबको पता है फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक वो जिन्हें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के साथ दर्शाया जा सके, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों जिसमें दिखाए जा सके, एक जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात की जाए। जिनमें मैग्नीट्यूड पे बात की जाती है वो सभी बच्चे जानते हैं कि वो स्केलर, सही है भाई, वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। बस इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, है ना? और यहाँ से हमारा चैप्टर काम करता है। अच्छा, साथ में ये भी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हमारी जानकारी मेरी जान तक है, वहाँ तक ये कि करंट में भी होता है, ठीक है ना? लेकिन करंट अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए आगे ये भी जोड़ दिया था कि वो सभी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और साथ के अंदर जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ठीक है ना भाई? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी जो फॉलो करे, ठीक है, दैट इज वेक्टर। लिखते चलिएगा बस, है ना? क्योंकि शुरुआत का पहला इसमें जो भी है वो यही है बस, इंट्रोडक्टरी, ठीक है? सेकंड नंबर पे ये तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात। सेकंड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए साहब, ऐसा है, वेक्टर को हमेशा एक लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने लाइन नहीं बोला, लाइन सेगमेंट याद रखना, है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, ठीक है भाई? अगर ये लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता तो ऑब्वियस सी बात है लाइन और लाइन सेगमेंट में जो बेसिक फर्क है वो भी दिखता है साफ। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, और जबकि लाइन की लेंथ जो होती है वो है ना इन्फाइनाइट होती है। तो कहने का मतलब ये कि लाइन सेगमेंट अगर बाय द वे लिमिटेड लेंथ का है तो जरूर उसका कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट भी होगा और कोई उसका टर्मिनल पॉइंट भी होगा, सही है? तो दिस पॉइंट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज टर्मिनल पॉइंट। तो याद रखिएगा, हर वेक्टर का भी एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट जरूर होगा, ठीक है? और उनके बीच का जो गैप होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है? तो इनके बीच के गैप को मॉड ए बी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है? रिमेंबर इट। अच्छा, अब ये भी हमारे को पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट ए से बी की ओर जा रहा था या बी से ए की ओर आ रहा था, तो उसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एरो भी लगाते हैं। जैसे अगर बाई चांस मैंने ए से बी की ओर लिखा तो इट विल बी नोन एज ए बी वैक्टर, अगर बी से ए की ओर जा रहा होगा तो इट विल बी नोन एज बी ए वैक्टर, एज सिंपल एज दैट, है ना? तो राइट नाउ इट इज ए बी वैक्टर, ठीक है भाई? अच्छा, ए बी वेक्टर को वेक्टर से शो करने के लिए ऊपर की तरफ ऐसे एरो दिखाते हैं, या फिर अगर बुक में हो रहा होता है ये काम या पेपर में हो रहा होता है तो हम लोग उसको बोल्ड लेटर से भी दिखा देते हैं। तो अगर कहीं बोल्ड लेटर से भी ए लिखा हुआ है तो भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो ए वेक्टर लिखा होगा, ठीक है ना? तो कई बार हम लोग इस चीज़ को लेकर के वैसे ही कंफर्टेबल हो चुके होते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसकी बात की बात पे। हाँ भाई, इसी के अंदर पॉइंट नंबर थ्री पे बात करता हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है? ये अभी से ही मेरे को इस बारे में बात कर लेनी पड़ती है ताकि बाद में किसी तरह की कोई बात नहीं रह जाए। मान लो ये ए है, ये बी है, इस बार वेक्टर ए से बी की ओर जा रहा है और यहां पे सी की ओर जा रहा है, ए सी वैक्टर, देख रहे हैं आप? अगर ये बी वैक्टर और ए सी वैक्टर है तो हम लोग एंगल तभी मानते हैं जब जहां से दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, है ना, या जो इनका इनिशियल पॉइंट है,
वहां से दोनों एरो बाहर की ओर होने चाहिए, दोनों एरोज बाहर की ओर होने चाहिए, तभी हम दो इनके बीच का एंगल ये वाला मानेंगे। वरना अगर बाय द वे एरो इधर उधर और कहीं जा रहे होते हैं तो हम लोग उन दोनों के बीच के एंगल को ये वाला एंगल नहीं मानेंगे। ये हालांकि कहने में बहुत आसान बात लगती है, लेकिन जब सामने आती है तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। एरो का बाहर की ओर जाना ही एंगल को शो कराएगा, वरना एंगल नहीं माना जाएगा। एनीवे, अभी ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, इस एंगल को ऐसे दिखाएंगे। अब ध्यान रखना, ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर लिखने के बाद ऐसा ये जो निशान होगा ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गया आप? नहीं है? हाँ, अगर भाई देवे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है ना कि ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए आगे बढ़ने का टाइम है ना। बात जरूर छोटी है लेकिन काम की है। ये काम की कब हो जाती है? जब कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल इस तरह से सेट हो जाता है, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, दिख रहा है आपको। अब हम लोग मानते हैं कि ये जो सी है, ये एंगल सी है, लेकिन ये एंगल सी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि सी एंगल बनाने के लिए है ना, एक एरो तो बाहर की ओर है, एक एरो अंदर की ओर है, तो हमारे को यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ऐसे अपन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब ये वाला जो एंगल होगा है ना, दिस इज एंगल बिटवीन, ठीक है ना भाई, सी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर, तब जाकर के आएगा ये, है ना भाई, बी सी वैक्टर। अब यहाँ पे आकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा, जो मैं अभी इसके बाद में थोड़ी देर बाद में पहुंचूंगा, अगले नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वैक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले नंबर पे आते हैं, सभी लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर पहले नंबर पे कौन आएगा? नल वेक्टर। ठीक है भाई? हाँ भाई, मैंने आपको बहुत पहले एक बात बोली थी, मैंने कहा था डिटरमिनेंट का कोई अलजेब्रा नहीं होता था, मैंने ये बताया था कि डिटरमिनेंट का कोई अलजेब्रा नहीं होता, इसीलिए जब मैट्रिसेस पढ़ाई थी तो मैंने कहा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जरूर होता है। मैंने कहा था कि जब मैं टाइटल लिख रहा था ना, मैंने कहा ये बात बोली थी बकायदा कि आप याद करो, मैंने एलजेब्रा और डिटरमिनेंट करके कोई टाइटल नहीं डाला, लेकिन एलजेब्रा मैट्रिक्स करके टाइटल डाला था। वैसे ही मैंने उसी टाइम पे ये भी बताया था कि एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस होता है और एलजेब्रा ऑफ वेक्टर भी होता है, तो वेक्टर एलजेब्रा के अंदर ये इसलिए बोला गया था, मैंने उस समय इसलिए बोला था ये बात को। मैंने कहा था कि अगर बाय द वे कोई अपने पास में ए मैट्रिसेस है, उसमें अगर नल मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो वापस ए वेक्टर ए मैट्रिसेस आ जाती है। नहीं है? याद है आपको? जैसे अपन कई बार ऐसा भी लिखते हैं ना कि ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो अपने आप में जीरो नहीं होता, जीरो मैट्रिक्स होती है। मतलब ये कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जुड़ करके नल मैट्रिक्स दे रही है, तो ये जीरो बेसिकली नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही हमारे लिए भी जो नल वैक्टर होगा, ठीक है, इसका मतलब ये कि हम लोग ऐसी चीजों से बचाव करेंगे जिनमें वैक्टर में से वैक्टर हट गया और आंसर में जीरो आ रहा है, हम लोग जीरो ना बोल करके उसे नल वेक्टर बोलेंगे, तो उस समय के लिए हम लोगों ने पहले से सारी तैयारी कर रखी है कि बात ना अड़े, ठीक है। हाँ, एनीवे, खैर नल वेक्टर के बारे में आपकी जान पहचान काफी अच्छी ऑलरेडी जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड जीरो हुज डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, लिख लीजिएगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, मतलब आप लिख लीजिएगा वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, मतलब आप तो सीधा ऐसे लिखना मैग्नीट्यूड जीरो डायरेक्शन अनडिफाइंड। क्यों बेकार के अंदर फोकट में लाइनें लिखते हैं एक्स्ट्रा, सीधी सी बात लिखो, ठीक है ना। जैसे एक नल वेक्टर बोलता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ए ए वैक्टर, सोच लेना ए वेक्टर इज ए नल वेक्टर, सोचा ए ए वेक्टर नल वेक्टर क्यों है? क्योंकि आप ए से चले और वहीं टर्मिनेट हो गए, माने आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? जीरो। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इट इज ए नल वेक्टर, ठीक है। वैसे अगर ढंग से देखा जाए तो जितनी मेरी जानकारी है फिजिक्स के अंदर, वो ये कि आपने किसी बॉल को उछाला और वापिस कैच कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ,
है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, है ना भाई, और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर फॉर्म डिस्टेंस होती है। माने उसने डिस्टेंस तो बहुत सारी कवर करी लेकिन ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जिस जगह से चालू हुई थी उसी जगह वापस मिल गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पहली चीज तो ये मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अच्छा, बाकी सेकंड पॉइंट तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई ए बी वैक्टर की किसी जीरो वैक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए तो जीरो वैक्टर आता है ना भाई, ऐसा सुना है हमने नहीं। नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो जीरो ना करके जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अभी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में इसलिए मैं ये बात यहां कह सकता हूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक इंटरेस्टिंग बात, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है, मान लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप बात को। अब आपको जिनको नहीं है तो कोई बात नहीं, आप में से किसी को अगर ये बात ही पकड़ में नहीं आती तो आप बिल्कुल मेरे साथ मेरे बराबर के, ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे सब समझ में आता है। इसमें ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो होने का मतलब होता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है। इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के जीरो होने का मतलब होता है दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एक साथ में दोनों बातें संभव नहीं होती, बशर्ते कि कोई एक वेक्टर जीरो ना हो जाए। नहीं आया, अगर कोई एक वेक्टर जीरो हो गया तो दोनों एक साथ पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे तो बोला जाता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, और लेकिन बाजू में ये भी लिखा जाता है कि पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल होता है साहब, व्हेन वन ऑफ देम इज जीरो, जीरो बोले तो नल वेक्टर, वन ऑफ देम इज नल वेक्टर, लिख लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नल वेक्टर के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर जो माना जाता है ना, सेकंड नंबर पे, एंड दैट इज यूनिट वेक्टर, सही है, आ जाए जरा इस पर भी बात कर लें। हाँ भाई, यूनिट वेक्टर पे आ जाइएगा, आइडिया है यूनिट वेक्टर का, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, नॉर्मली किसे रिप्रेजेंट होता है, कैप से, कैप से, सही है ना भाई। ए कैप अगर बोल दिया गया तो वो ए का यूनिट वेक्टर है। किसी को पता है कि आखिरकार यूनिट वेक्टर की जरूरत कहां पड़ी, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में, है ना भाई, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने, बस तीन बातें लिखनी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, बस कुछ नहीं, फटाफट से एक दो लाइनें लिखनी है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन इज अ यूनिट वेक्टर, लिख लिया। सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, ठीक है भाई। और उसके बाद में वो सदाबहार फार्मूला जो सबसे गाया जाता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड ऑफ ए, सही भाई, याद होगा आपको। और इसके बाद में बरसों से एक लाइन और गाई जाती है, इसी का मतलब यही समझा देते हैं हम तुमको, ए वैक्टर इज इक्वल टू में ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सही है भाई। इसी कारण से दुनिया गाती है कि वेक्टर जो होता है वो अपने आप में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलकर के एक वेक्टर बनाते हैं, है ना। तो ये सदाबहार लाइन है, बरसों से सुनाई जाती है, आपको भी सुनाई गई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इट इज अ वेक्टर कंटेनिंग टू थिंग्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, ये अपने आप में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, अब यहां पे बहुत काम की चीज चालू हो जाती है, यहां पे हम लोगों को अब बहुत अच्छी अच्छी बातें समझनी और सोचनी चाहिए मैथमेटिकली किसी भी चीज को समझने के लिए।
जैसे मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसे प्रोजेक्शन कहेंगे, ठीक है, उसकी अभी से कहानी गा लेते हैं अपन। जैसे मान लो इसे मैंने ओ नाम दिया, इसे मैंने ए नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया। अगर मैंने इसे ओ ए नाम दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है ओ ए को नॉर्मली ए वेक्टर से, ओ माने ओरिजन, ओ माने ओरिजन, ओ से दो वेक्टर गए, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। जो ए वेक्टर की तरफ जाएगा उसे स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, अरे ऑब्वियस सी बात है ना, ओ ए वेक्टर बने ए वेक्टर। एक टेंडेंसी होती है बनाने की, बोलने की एक तरीका है कि ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज गुड बी वेक्टर। अभी से बात सिर्फ छेड़ रहा हूं, अपने टाइम में अपनी तरह से बात रखूंगा, ठीक है। अब आता है इस पे वर्ड, मैंने बोला कि मैं इसमें यहां पे बात करना चाह रहा हूं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई। तो परछाई हमारे यहां पे ऐसे नहीं गिरती, आड़ी टेढ़ी परछाई नहीं होती। परछाई तो तब गिरेगी जब बल्ब यहां जलेगा, बात समझ में आई आपको? जब लाइट यहां से गिरेगी, जब लाइट बिल्कुल इसके सर पे से गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोजेक्शन गिरेगा वो यहां तक गिरेगा, माने ये जो पूरी लाइन है इसकी परछाई सिर्फ इतने पे गिरेगी। ये बात आपके समझ में आई? इसका मतलब ये कि प्रोजेक्शन ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना प्रोजेक्शन गिरो, इसका मतलब परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करो, ठीक है। तो जब से परपेंडिकुलरली ड्रॉप होगा तो अभी इसकी लेंथ है बी कैप, इसके इसकी जो लेंथ है मॉड बी वेक्टर होगी। अच्छा, ये यहां पे एंगल बन रहा होगा थीटा, सही है। अभी से अपन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें याद कर लेते हैं, ये सब मैकेनिक्स में सिखाते हैं, मेरी साइड का कुछ भी नहीं है, सब आपकी साइड का उल्टा मैं आपसे लेके वापस आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है। जिस जगह पे थीटा पे गिरेगा याद है, तो ये खंभा जैसे नीचे गिरेगा तो वो खांसता हुआ आएगा, याद है, मॉड बी कॉस थीटा, नहीं याद आया? तो ये जो लेंथ हुई दैट इज मॉड बी कॉस थीटा, सही है भाई। कौन सी लेंथ आई? यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ आई, आई। अब अपने पास में ये जो ए वेक्टर था ये कुछ लेंथ का रहा होगा, कुछ लेंथ का रहा होगा। एक बार आपको समझाने के लिए मैं इसकी कुछ लेंथ को 7 मान लेता हूं, कि लेट से द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 7। अगर मैंने इसकी लेंथ को 7 मान लिया तो हाथों हाथ इस जगह से इस जगह तक 7 ऐसी लाइन आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ जाएगी, क्योंकि अगर मैंने लेंथ 7 बोल दी इसका मतलब ओरिजिन से यहां तक 7 इसके पार्ट हो गए। 7 पार्ट में जो एक पार्ट होगा यहां से लेकर यहां तक का जो एक पार्ट होगा दैट विल बी यूनिट वेक्टर, नहीं आई बात समझ में? वो कितना हो गया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोलते मेरे को इस जगह पे बोलना चाहिए इसका एक एक पार्ट ए कैप हुआ, यहां तक बात समझ में आई? अगर बाय द वे इसका एक पार्ट ए कैप हुआ, यहां से यहां तक का पार्ट अगर ए कैप हुआ, तो मेरे को पता है इस समय तक मेरी बात यहां तक इतनी दूरी तक आ गई है जिसकी लेंथ है मॉड बी कॉस थीटा, तो ओवरऑल मेरी लेंथ हुई मॉड बी कॉस थीटा ए कैप। नहीं आए समझ में? मैं दूसरे तरीके से बात कहता हूं, ये जो मॉड बी कॉस थीटा था इसको समझ लेते हैं, इसकी लेंथ कुछ एक्स आई, कितनी आई? एक्स। अगर एक्स आई तो ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक की एक्स ए कैप हो गई। नहीं आई बात? आप शायद दो चीजों को लेकर विरोधाभास में हो, है ना। मैं कोशिश करता हूं और इसको क्लैरिटी के साथ बोलने की, ठीक है। मॉड बी कॉस थीटा तो उसकी लेंथ आई, लेकिन क्योंकि ए वेक्टर पे गिरा तो उसकी डायरेक्शन ए कैप हो गई। नहीं आई बात समझ में? तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर रहा हूं, तो मॉड बी कॉस थीटा इनटू ए कैप अब इसका वेक्टर बन गया। नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन मिलकर के एक वेक्टर बनाता है। तो अगर कोई पूछेगा ना, ये मान लो जैसे इसका नाम मैंने एम रख दिया, तो ये इस वेक्टर का नाम ओ एम वेक्टर हो गया। अब ओ एम वेक्टर एंड ओ ए वेक्टर एक ही है, थोड़ा सा ओ एम को और खींच लेता तो ओ ए बन जाता, इसे बोलेंगे आप कोइंसिडेंट वेक्टर। अरे एक दूसरे पे तो हैं। आप सोचते हो बस मस्त चीज है बहुत। मेरे टाइम में मेरे को तो सरदर्द हुआ था, क्या बोल रहे हो, किधर जा रहे हो, लेकिन जैसे ही समझ में आया एकदम लपक के समझ में आता था, फिर टीचर से आगे जाता था, समझ में आते ही समझ में आता था खट्टे से, अच्छा यहां से यहां तक ओ एम और आगे ले जाओ इतनी दूर तक तो ओ ए, माने ओ एम और ओ ए एक ही बात है। बस ओ एम वेक्टर को हम लोग अगर कोई पूछेगा ए और बी के टर्म्स में बोल, तो मैं बोलूंगा लेंथ है इसकी मॉड बी कॉस थीटा और डायरेक्शन है इसकी ए कैप, तो ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा ए कैप। अब आपको समझ में आया? इसमें मेरे लिए ए कैप ने क्या मदद करी? डायरेक्शन देने में। तो हर वेक्टर का डायरेक्शन देता है भाई ये, इसलिए यूनिट वेक्टर की हमारे को जरूरत है आगे पीछे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो अब तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज को समझने के मतलब पूरी ट्वेल्थ में करने के दो तरीके हैं। एक तो ढंग से समझ लो,
और उसके बाद रट लो। रट लो को कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं कि यार मैंने तो प्रैक्टिस कर ली, बहुत प्रैक्टिस करी, याद हो गया मेरे को तो। सबने अपने अपने तरीके से उसके नाम दिए हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, किसी ने कहा यार मेरी मेमोरी बहुत अच्छी, मैं तो एक बार सुनता याद हो जाता है। कुछ भी बोल लो आप, फाइनली उसे याद ही होता है। मुकाम एक ही है सबका, है कि नहीं? बाकी सारी बातें तो ऐसे ही है, हवा है, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं आपको मुद्दे पे लेके चलता हूं। ठीक है, पहले तो आप समझ लेना, समझ में आने के बाद में आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। गरीब बच्चे को ज्यादा बार करनी पड़ती है, थोड़ा रईस बच्चे को हम कम बार करनी पड़ती है, करते सभी हैं। ठीक है, बताता कोई नहीं है। हाँ चलो, आजकल आपकी बैच से बाहर भी बहुत मेरे को इस तरह की आवाज आती है, ताली वाली का क्या शौक आ गया आपका। हाँ चलते हैं आगे, चलिए आगे आप तो। हाँ भाई अगले पॉइंट पर आ जाओ, ऐसे मेरे बैच में इन सब की जरूरत नहीं है आपने को, है ना। हाँ शेर शायरी ताली वाली किसी जरूर की, अपन पढ़ाने का पैसा मिलता पढ़ाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। ठीक है, हाँ आपने को एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, प्रोफेशनल आप मेरे लिए 2017-18 है कि नहीं। अगले पॉइंट पर आता हूँ। हाँ भाई, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, बच्चा बच्चा जानता है साहब। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर इज आई कैप, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर इज जे कैप, और जेड एक्सिस पे के कैप, दैट्स इट। बस अपने को ये पता होना चाहिए, अपने सिर्फ एक्स वाई प्लेन लिखा है इसलिए अपन यहाँ पे आई कैप लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जे कैप लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस आई कैप और यहाँ पे माइनस जे कैप, सही है। ये थोड़ा वैसे कंफ्यूजन का मसला है और इसका जवाब भी बड़ा अजीब है। ठीक है, हालांकि मैं आपको नहीं बताऊं तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है सर, एक्स वेक्टर के लिए एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप। लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन भी तो आप जैसे लोग ही पैदा करते हैं, ठीक है, और बताते भी आप ही जैसे लोग हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर हर यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैंने कहा हाँ कि सर एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड तो इन्फिनिट हो गया ना। मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा तू जीरो बोलना चाहता है क्या बे, नहीं समझ में आया आपको, इसका मॉड तो इन्फिनिट हो गया ना। दो तीन दिन तक आदमी को संपट नहीं आता, कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना पकड़ भी नहीं आता यार कैसे जवाब दें। ठीक है, फिर थोड़ा अंदर टटोला तो मेरे को ध्यान आया कि इन्फिनिट बाई इन्फिनिट इज इक्वल टू 1 भी होता है लिमिट में, याद करो आप। नहीं याद आया आपको, अगर डिग्री सेम हो तो नहीं याद आया। हाँ तो किसी ने जरूर इसी तरीके से इसका 1 बना रखा होगा, क्योंकि ऊपर वाला एक्स वेक्टर भी तो है तो इन्फिनिट लेंथ का वेक्टर है ना। हालांकि इसका कोई जवाब नहीं है मतलब, लेकिन हाँ ठीक है, अंदर से कुछ सेटिंग बैठ जाता है कि हाँ बराबर है, बराबर। ठीक है, इन्फिनिट भी इन्फिनिट ही रहा होगा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा तब तक और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अगले पॉइंट पे। हाँ अब बच्चे के दिमाग में आता है और ये तो सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हुआ, प्लेन पे कहाँ हुआ। नहीं है, हाँ बात दमदार है, बात में दम होता है ना तब आप हैंग होते हो, आपको पता नहीं है। ठीक है ना, अब कैसे हैंग हो गया वो भी सुनो। जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ऑब्वियस ही बात है सर यहां हो जाए तो। हाँ मैंने कहा अगर यहां पे हो जाए तो वी टेक इट एज ए कॉस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। अब बड़े ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, इस तरह के किसी भी पॉइंट का अगर भाई मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन, ठीक है, और उसका अगर मेरे को यूनिट वेक्टर दिखाना होता है ना तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। भाई दुनिया में कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो उसका थीटा तो बनाओगे ना ओरिजिन से जोड़ के, और आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 है, सही है ना भाई। तो आप इस बात को लिख लीजिएगा कि एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन हैज यूनिट वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप।
any point on xy plane has unit vector cos theta I cap plus sin theta j cap, where theta is equal to my angle of inclination, where theta is equal to my angle of inclination. Right? अब इस पे जैसे क्वेश्चन में आ गया सीधी सी बात, किसी ने कहा कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर बताइए. तो पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन होता क्या है. तो मैं आपको बता देता हूं, y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स होता है. या ढंग से बोलूं तो आपको कईयों को पकड़ में नहीं आएगा, और ढंग से बोलता हूं माइनस एक्स प्लस वन होता है. माइनस एक्स सोच लिया, प्लस वन करते ही यूं जाएगा, तो इट विल बी अ लाइन लाइक दिस. अरे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन ऐसे ही होगा क्या? हो गया है ना. हाँ भाई, इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है, इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर होगा तो वो वेक्टर या तो ऐसे जा रहा होगा या फिर इस तरह से जा रहा होगा. नहीं है? अरे पैरेलल यूनिट वेक्टर या तो उस तरफ होगा या इस तरफ होगा, या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, कहीं तो जा रहा होगा, ठीक है ना. और हम लोग जाने के ऊपर डिपेंड नहीं करते. क्यों हुआ? क्यों? अरे नहीं, ये दोनों पैरेलल पैरेलल होता है. हाँ, वो आप उसके ऊपर दिमाग नहीं लगा रहे. तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो ऐसे ही जा रहा होगा, और किसी भी केस में जा रहा होगा. आपको यहां पे क्या समझना है, ठीक है, कि अगर बाय द वे मैं जैसे इसकी बात करता हूं, तो मेरे को पता है राइट नाउ थीटा इज इक्वल टू मैं 3π/4. आराम से सोचो, बहुत जल्दबाजी नहीं है. तो इसका थीटा भी कितना हो गया? 3π/4 हो गया. और अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू नहीं हुआ. अरे उस वाले का थीटा 3π/4 हुआ. अरे ऐसे अपने को वो पेन वेन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप आराम से देखो, दिख जाएगा. हाँ, सोचोगे तो दिख जाएगा. पाई बाय फोर नहीं है? आराम से सोचो ना, क्या जल्दी क्या पड़ी है. बहुत धीरे धीरे आप एक दो मिनट ले लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा. हाँ, और मैं नहीं चाहता किसी तरह का कोई लफड़ा रहे आपके दिमाग में. नहीं है समझ? ये वाला एंगल तो 3π/4 हो गया, और ये वाला एंगल अब की बार ये देखो, इसमें तो ये बाहर की ओर जा रहे हैं ना, ये दोनों तो बाहर की ओर जा रहे हैं. अच्छा, इस बार क्या है सीन होगा, ये थीटा इसे मानूंगा कि पीछे वाले को? एक्स एक्सिस तो यही जा रहा है ना भाई? नहीं. हाँ, अब ये नीचे वाले को सोच लो आप. याद आ गया आपको? इस बार थीटा ये वाला है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू. हाँ, तो आपको पता चल गया एंगल ऑफ इंसिडेंट हैज टू वैल्यूज, वन इज 3π/4 एज वेल एज 5π/4. तो थीटा की दो वैल्यूज आ गई. अब थीटा की अपने पास में दो वैल्यूज आई, एक तो आई कितनी 3π/4, एक कितनी आई 5π/4, यही आई. तो इससे कई बार कई लोगों को समझ में आ गया कि टेन थीटा की वैल्यू इधर इट इज 1 और माइनस 1. पक्की बात है ना भाई? 1 और माइनस 1. अब जिनको ये दो वैल्यूज समझ में आ गई, उनके लिए एक बार के लिए जरा 1 पे आंसर दे रहा हूं मेरा, ठीक है. अब मेरे को समझाना कि अगर बाय द वे मैं, ठीक है, हाँ, अब देखना बहुत पॉइंट वाली बात अब उठेगी. अब यहां पे समझने की बात है, ठीक है. मेरे पास में इसके वेक्टर का कोई फिक्स फॉर्म नहीं है. अगर बाय द वे मैं इसको पैरेलल, इसका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन का एरो ऊपर की तरफ लेता हूं, तो ये दोनों पैरेलल हुए. नहीं है? और अगर बाय द वे मैं इसका एरो इधर की तरफ ले लेता हूं, तो ये दोनों पैरेलल हुए. ऐसा नहीं हो सकता कि एरो ये हो और ये वाले को अपन पैरेलल ले लें. हाँ, क्योंकि एंटी पैरेलल हो जाएगा. यहां तक की बात समझ में आई? तो एक टाइम पे कोई एक ही उठेगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला. मैं एक टाइम पे एक ही उठा रहा हूं, ठीक है ना. बात समझ में इतनी तो समझ में आ ही रही होगी कि अपन दोनों उठा नहीं सकते, एक टाइम पे कोई एक ही उठाएंगे. अच्छा, और अगर भाई देखो मैंने ये वाला एंगल उठाया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना 3π/4, सही भाई? अगर थीटा इज इक्वल टू 3π/4 उठाया, तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू आराम से सोचो -1/√2, और साइन थीटा की वैल्यू, लॉजिक तो समझा दो. सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला जाए सेकंड क्वाड्रेंट. तो इसलिए यूनिट वेक्टर जो बनेगा
ठीक है, वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर विल बी माइनस वन बाय रूट टू आई कैप प्लस में कितना, वन बाय रूट टू जे कैप, बस बात खत्म। सही है, एक टाइम पे कोई एक उठाएंगे, जब दूसरा वाला उठाएंगे तो दूसरे टाइम पे क्या होगा, पाई बाय फोर का केस उठाएंगे तो दोनों प्लस प्लस में उतर जाएंगे। राइट है, तो ध्यान रखना ओवरऑल आंसर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस वन बाय रूट टू आई कैप प्लस माइनस वन बाय रूट टू जे कैप होगा। सही है, आप एक टाइम पे एक ही केस उठाओगे, सामने वाला भी एक ही केस उठा सकता है, दोनों नहीं उठा सकता। राइट है, हाँ भाई आगे बढ़ू नहीं, क्या बोले, जे कैप तो हमेशा पॉजिटिव हो गया दोनों केसेस में। सही बोल रहा है बच्चा, तो मैं ऐसे बकायदा दो केस दिखा देता हूं ना, आप में से किसी का भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा और मुझे भी ध्यान रहेगा। वन बाय रूट टू जे कैप और दूसरी तरह से क्या बनेगा, वन बाय रूट टू आई कैप प्लस वन बाय रूट टू जे कैप। सही है ऐसा, हाँ भाई हटा लें, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई पॉइंट नंबर हमारा चल रहा था, तीन के बाद चार पे आते हैं, बहुत मस्त सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी खटाखट होने वाली, कुछ मुश्किल नहीं है। वैसे ये अपनी लेंथ, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है इस चैप्टर की, वो भी अपन थोड़ा फास्ट करके अपन कम कर लेंगे। हाँ भाई लिख लें, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन, ना क्या बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर टू ऑलवेज नहीं है समझ में, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर टू ऑलवेज, अरे ऑब्वियस ही बात है, ये जैसे ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये वाला मानू कि पास वाला, ये वाला कि ये वाला, कहीं पे भी ले लो यूनिट वेक्टर यही होगा, तो एक यूनिट वेक्टर तो ऊपर की तरफ कितने हुए, दो, वही मैंने लिखवाया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन इज टू ऑलवेज, है ना भाई। अच्छा पॉइंट नंबर पांच पे आ जाता हूं, पॉइंट नंबर पांच क्या कहता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आर इनफाइनाइट, लिखिएगा भाई इनफाइनाइट ऑलवेज, देखो जा ये अपनी स्ट्रेट लाइन, ये अपना यूनिट वेक्टर, सही है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, हां के ना, ये एक परपेंडिकुलर, जरा सा मोड़ा इधर ले आया, नया बन गया, इधर लेके आया नया बन गया, क्यों नया क्यों बन रहा है, डायरेक्शन बदल दिया रही है ना, कितने हो सकते हैं, बस वही तो बोला आपने, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये सब आपके उसमें वो करंट वाला चैप्टर है ना उसमें काम आएगा ये सब, बिल्कुल एक एक चीज काम किए, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, एनीवे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर के बाद की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर के बाद में पॉइंट नंबर सी, थर्ड वन इज फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री एंड और नहीं, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स, हां भाई लिखेगा, इफ एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन ए स्पेस, इफ एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन ए स्पेस कीपिंग इट्स, इफ एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन ए स्पेस, शिफ्टेड इन द स्पेस कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, गिविंग कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, कॉमा लगा के गिविंग सेम फिजिकल इफेक्ट, गिविंग सेम फिजिकल इफेक्ट, गिविंग सेम फिजिकल इफेक्ट, then it is a free vector, then it is a free vector, comma laga ke giving same
फिजिकल इफेक्ट, सेम फिजिकल इफेक्ट, देन इट इज अ फ्री वेक्टर। इफ अगले पे लिखिएगा, अगली लाइन के अंदर, इफ फिजिकल इफेक्ट, इफ फिजिकल इफेक्ट बिकम्स डिफरेंट, इफ फिजिकल इफेक्ट बिकम्स डिफरेंट देन इट इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर, देन इट इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। लिख लिया आप लोगों ने, देन इट इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। हाँ भाई, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारी पूरी कहानी फ्री वेक्टर के ऊपर है। देखिए, हम इससे पहले कि आगे जाए ना, हमारे सारी कहानी पहले बता देता हूँ फ्री वेक्टर पे। फ्री वेक्टर का मतलब बता देता हूँ, ये लॉजिक क्या है। ये हमारे को भी कई बार समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये फ्री वेक्टर पढ़ा तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से क्लियर हो गई। और आगे जाकर के आपको पता चलेगा कि आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जब आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ करेगी ना, तब आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आएंगी जो मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको दिखेगा नहीं, आप इमेज ही नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपके हाथ में क्या होगा ना, है ना, एक उसके अंदर एक टूल देंगे जैसे आर्म्स बोलते हैं, तो उसमें क्या है, आर्म्स कसने के बाद में आपको चीज़ें ना पैरेलल उठानी आ जाएंगी। अभी नहीं आती आपको पैरेलल ही चीज़ उठानी, उसमें क्या एक स्केल होता है, आप पैरेलल ले जा सकते हो उसको। उसमें क्या होता है, एक आर्म कस लेते हैं स्क्रू पे, ठीक है, और आपको बदलता है ये जैसे 5 सेंटीमीटर है ना, जैसे आपने पी क्यू लिया, तो आप उसको ऐसे कैसे पैरेलल कहीं पे भी लेके जा सकते हो अपने प्लेन पे, कहीं पे भी वो वैसा कैसे मूव करता रहता है। नहीं है, एक मैकेनिकल आर्म जैसी होती है जिसको आपने कस दिया, उसके बाद में आप उसको पांच, जैसे पी क्यू अगर 5 सेंटीमीटर, तो उसको आप मूव करा सकते हो। आई कहानी पकड़ में, अगर आप 5 सेंटीमीटर मूव करा सकते हो, तब जाके आपके दिमाग में वेक्टर खुलना चालू होता है। जैसे हमारे दिमाग में तो पहले दिन ही आ जाता था कि यार क्या बकवास है, कैसे वेक्टर कैसे हो सकता है, जैसे दो वेक्टर हैं, सर आप कैसे कह सकते हो ये दोनों आकर के मिलेंगे, नहीं ये मिलेंगे ही नहीं, फिर थीटा कैसे, ऐसा अजीब सा थीटा लोगे क्या। तब बाद में समझ में एक फ्री वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर हम जितना पढ़ते हैं सब फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, लोकलाइज वेक्टर नहीं पढ़ते, क्योंकि फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको एज इट इज उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रख के मूव करा लो, आप मूव कराने के बाद में भी वो वैसे ही बना रहता है। तो हमारे पास में जितने वेक्टर हैं वो फ्री वेक्टर हैं। अगर आप इस 5 सेंटीमीटर को एज इट इज मूव कराओगे तो वो यहाँ नहीं आ जाएगा क्या, है कि नहीं? और जैसे वो यहाँ आएगा, मैं थीटा गिन देंगे इसका, आएगा नहीं समझ में? हाँ, तो सबसे पहला जो अंदर के छोटे छोटे भेद है ना, वो यहाँ से खुलते हैं पहले दिन से, क्या जब कुछ नहीं है, सब बिल्कुल सही है, आपके लिए डाउटफुल सिचुएशन नहीं है कहीं पे भी। कहानी पकड़ में आ गई, फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, जिसको आप उसको एज इट इज उसके पैरेलली शिफ्ट करा सको कहीं पे भी। देखो, उसी की वजह से आपने भले रट के रखा हो, भले मान लेते हैं एक बार के लिए रटा वाला, लेकिन अब आप में से कोई भी आप समझ सकता है कि कोई वेक्टर अगर यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, सब एक ही है। नहीं है, नहीं तो मन में बहुत संदेह होता है, यार ये वेक्टर जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया तो कैसे सेम हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, आपने पैरेलल शिफ्ट हुआ है भाई, पैरेलल शिफ्ट हुआ है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो इट इज अ फ्री वेक्टर, भले यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, इट गिव्स द सेम फिजिकल इफेक्ट, तो वी विल काउंट देम, भले वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट भले हो, नीचे से कहीं पे भी हो, लेकिन उन्हें हम एक ही गिनेंगे। आगे बात अभी भी नहीं आया है ना, तो पहले तो मतलब मन के संदेह निकालने की सारी बातें कर रहे हैं अपन, जितना ये पढ़ रहे हैं सब अंदर के वो छोटे छोटे किंतु परंतु निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, लोकलाइज जैसे मतलब लोकलाइज वेक्टर, जैसे फोर्स एक लोकलाइज वेक्टर है, मैं अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, तो आप इस फोर्स को उधर नहीं शिफ्ट करा सकते, फोर्स एक लोकलाइज वेक्टर है ना। मतलब ये सारी चीजें फिजिक्स की, मेरे पार्ट की नहीं है, लेकिन है ना, हमने भी अपने टाइम पे अपने टीचर को बहुत खाया है, ठीक है, अरे सर ये लोकलाइज क्या है, ठीक है, तब उसने भी हमारे को ऐसे बताया, एक फोर्स है ना तू यहाँ लगा रहा है, तू पैरेलल कैसे शिफ्ट करेगा, पैरेलल नहीं शिफ्ट होते हर चीज। हाँ, जैसे एक ये लोकलाइज वेक्टर है, ठीक है, इसको पैरेलल शिफ्ट करेगा तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। मैंने कहा कैसे बदल जाएगा, जैसे वो पैरेलल वाले को शिफ्ट करा दो वैसे इसे भी करा दो। उसने कहा अगर ऐसे कराते तो फिर वो अपना स्ट्रिंग वाला जितना अपन मैकेनिक्स पढ़ गया सारे फेल हो जाते, उसमें mg cos थीटा, तुम कहते थे ऊपर उठा ले, ऊपर उठा लिया पैरेलली तो स्ट्रिंग पे तो टेंशन बदल जाएगी। नहीं आया समझ में? हाँ, क्योंकि तो लोकलाइज वेक्टर है, mg cos थीटा ऊपर जाकर के भी थीटा सर सेम है, मर्जी जान रखो थीटा सेम है, ठीक है, तो टेंशन तो कभी बदलेगी नहीं, उसको घुमाते रहो भले मस्त है एकदम आराम से, हर जगह सेम टेंशन है। आगे कहानी, हाँ ऐसी बातें भी कई बार दिमाग में आती हैं, ये छोटे प्रश्नों के जवाब मिलने बहुत जरूरी थे, इसी के इंटरेस्ट बना रहता है।
और चीजें खुल के आती हैं सामने। एनीवे आगे बढ़ते हैं, जितना मेरे को आता है उतना मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे से ज्यादा पूछना मत, मेरे को वैसे भी इतना ही आता है, ठीक है। फिजिक्स के मामले में अपना हाथ शुरू से ही टाइट है, ठीक है। हाँ भाई, नहीं इतना भी नहीं है, संख्या बात कर रहा। हाँ आज भी याद है मेरे को, ठीक है। पिछली बार बताते बताते रह गया था ना मैंने आपको, आपसे मैंने पूछा था कि फोटोन जो होता है, बोला था ना आप उस दिन, बोले ही नहीं थे मेरे को, मेरे को सबकी पता था। मैंने उस दिन भी पूछा था आपसे फोटोन क्या होता है, पता नहीं है ना आज भी आपको। हाँ क्वांटा का एक क्वांटा होता है ना लाइट्स, अरे लाइट के पैकेट्स होते हैं ना, लाइट के दो तरह की नेचर होती है ना, उसमें एक नेचर कौन सी होती है, वेव वाली। एक पार्टिकल तो बेकार है, ठीक है, पार्टिकल तो एक्चुअली अब आ रही है वापस, न्यूटन भैया ने दी थी सबसे पहले, क्या नाम दिया था सी पे कुछ, कॉर्पस समथिंग कुछ बोला था ना। हाँ मेरे को हल्का हल्का याद है, क्योंकि है ना इंटरेस्ट लिया था मैंने, क्या कर कर क्या बोलना चाहता है, पकड़ में नहीं आती ना, अपने को अपने साथ में प्रॉब्लम थी, समझ में आ गया तो फिर भी याद रहता था, नहीं समझ में तो मरे ना याद रहे, ठीक है। यहाँ से वहां तक जाने में भूल जाता हूँ मैं, समझ में आ गया तो सब याद रह सकता था, तो इसलिए क्या समझने की कोशिश करी थी कि ये अच्छा है, दो तरह की नेचर रही होगी। इसलिए क्यों, क्योंकि अलग अलग पीढ़ी ने अलग अलग तरीके से सोचा। न्यूटन ने सोचा, न्यूटन के बाद वाले लोगों ने, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, तो आप में से जो भी कोई टीचर बनेगा ना, तो कुछ मेरी कॉपी करेगा और कुछ जरूर बताएगा कि वो टीचर तो फला फला उस पास वाली क्लास में पढ़ा रहा है, वो गलत पढ़ाता है। नहीं है, क्योंकि आप मेरे को देख चुके हो, ऐसे ही रहा होगा। तो न्यूटन ने कुछ बताया, तो जो भी उसका जो सक्सेसर रहा होगा, उसने सबसे पहले न्यूटन को ही पीटा होगा। ऐसा ही हुआ, तो लोगों ने बताया कि दो तरह की नेचर होती है, उनमें से एक पार्टिकल के सिवा वेव होती है। वेव वाली में क्या होता है ना, उसका जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उसमें सबसे छोटा पैकेट का नाम क्वांटा होता है। क्वांटा का जो सबसे छोटा पार्ट होता है क्वांटम, माने उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। हाँ क्वांटम याद आया, और क्वांटम जो होता है उसे फोटोन कहते हैं। फोटोन का मास जीरो होता है, इक्विवेलेंट मास अलग होता है। हाँ अब आप में से क्या बेस मास, अच्छा देखो जो भी मेरे को तो ये पता है कि उसके अंदर कुछ इक्विवेलेंट मास होता है, वो एम नॉट के नाम से जाना जाता है, वो दैट इज नॉट जीरो है ना। हाँ उसका जो बेसिक मास होता है ना जो, वो जीरो होता है। इसी की वजह से मैं उस दिन बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले, नीचे आए, लाइट एमिट कर दी, लाइट एमिट करते ही फोटोन बन गए, फोटोन बनते ही वो मासलेस हो गए, मासलेस होते ही क्या होगा, ग्रेविटी फ्री हो गए, वापिस ऊपर पहुंच गए, ऊपर गए वापिस अलग हो गए। नहीं है तो एक इन्फिनिट एनर्जी साइकिल बन गया, और अगर इन्फिनिट एनर्जी साइकिल बनना इतना आसान होता, थियोरेटिकली तो हो गया प्रूफ कि ऊपर से आएगा ग्रेविटी के फोर्स में, नीचे जाएगा, नीचे जाकर फोटोन बनेगा, मासलेस होगा, वापिस ऊपर आएगा, ऊपर आकर के फिर अलग हो जाएगा। तो एक इन्फिनिट एनर्जी का एक साइकिल बन गया ना, अगर इन्फिनिट एनर्जी का साइकिल इतना आसानी से प्रूव हो जाता, ठीक है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। कार्नोट बेचारा मर गया, 63% से ऊपर कोई इंजन नहीं बना पाया, आपको पता ही बात। ह्यूमन बॉडी ही इकलौता ऐसा इंजन है जो शायद 100% से भी ऊपर चला जाता है, 102% जाता है, बता वो ह्यूमन बॉडी मतलब बॉडी जीव जंतुओं में भी सबसे ज्यादा चींटी की होती है, अपने वेट से 10 गुना, याद आया आपको। तो कार्नोट साइकिल है बेटा, सब कार्नोट है, कार्नोट ही कार्नोट है। एनीवे अब मेरे से और ज्यादा नहीं पूछना, मैं फिर भूल जाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई पॉइंट नंबर फ्री एंड लोकलाइज के बाद डीप आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर। पढ़ाई पे आप कितनी बकवास कर लो, सब पूछ लेंगे, सब बता देना। पोजीशन वेक्टर याद होगा, पोजीशन वेक्टर के बारे में लिख लीजिएगा फटाफट से। पोजीशन वेक्टर ध्यान है आपको, पोजीशन वेक्टर कितने लोगों को पता है पोजीशन वेक्टर? हाँ भाई कोई ऐसा साफ सुथरा बोलने वाला कोई आदमी जिसे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन बताओ, फिजिक्स में तो सिखाई होगी ना आपको, नहीं याद आया, कौन बोलेगा, कोई नहीं। अरे पोजीशन वेक्टर पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, हाँ बोलो ना, ये तो सबसे आसान बकवास की बात है, हाँ बोलो।
अच्छा, सिर्फ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो सकता है, किसी के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है? किसी के भी रेस्पेक्ट में या ओरिजिन के? अच्छा, एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। अच्छा, उसके रेस्पेक्ट में हाँ भाई, कोई मेरे को स्पेसिफिकली इसकी बुकिश लैंग्वेज में जो उसे याद हो डेफिनेशन सोचो आप। देखो मैंने तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपके तो तोते उड़े हुए। हाँ बोलो, पीछे पीछे। अरे तुम बोल रहे थे ना, तेज बोलना यार। दो वेक्टर के बीच का, दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस। हाँ बोलो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड क्या तोड़ तोड़ के बोलना। व्हाट ऑफ टू वेक्टर? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम ओरिजिन। हाँ चलो देखो, धीरे धीरे खुले तो सही। हाँ लोगों ने अपने अपने तरीके से व्यवहार में लानी बात करी। हाँ बोलो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टेकन फ्रॉम एनी ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। हाँ तो मेनली तो ओरिजिन ही है रेफरेंस पॉइंट। हाँ उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तो मतलब ऐसे ही अपने डाउट के लिए पूछा था। इसका मतलब ये नहीं कि गलत बोल रहे थे आप। उसने जिसने पहला बोला था ओरिजिन भी सही बोला था। बोलो ना, दो पॉइंट्स का किसी पॉइंट का ठीक है साहब, धीरे धीरे समझ लेते हैं ठीक है। अच्छा देखिए साहब, दो तरह की बातें हैं। अगर किसी ने मेरे से ए पॉइंट के लिए पूछा किसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अटैच इट टू द ओरिजिन। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओए वेक्टर, और ओए वेक्टर के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी एक जितना भी एक का जितना भी बेस वेक्टर होगा, बेस वेक्टर आपको सिखाया बेस वेक्टर ठीक है, पोजीशन वेक्टर के अंदर सबसे पहले डालिएगा बेस वेक्टर फर्स्ट पॉइंट। पहले तो इस पे बात हो जाए, फिर इतनी इंपॉर्टेंट बात ये मेरे को लगा शायद फिजिक्स में बताई गई होगी। लिखिए बेस वेक्टर, बेस वेक्टर में लिखेगा ठीक है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू में ए वन आई कैप प्लस में ए टू जे कैप प्लस में ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू में बी वन आई कैप प्लस में बी टू जे कैप प्लस में बी थ्री के कैप। लिख लिया, देन आई जे के आर बेस वेक्टर्स, देन आई जे के आर बेस वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन आई जे के आर बेस वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लिख लिया, अगले पॉइंट को लिखेगा इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट में लिखेगा इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है ना। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, देन आई जे के आर बेस वेक्टर्स, सेकंड पॉइंट में लिखेगा इफ एल वेक्टर, इफ एल वेक्टर इज इक्वल टू एपी वेक्टर प्लस में बी क्यू वेक्टर प्लस में सी आर वेक्टर ठीक है ना भाई। इफ एल वेक्टर इज इक्वल टू में एपी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर प्लस सी आर वेक्टर, देन पी क्यू आर वेक्टर्स आर बेस वेक्टर्स, देन पी वेक्टर कॉमा क्यू वेक्टर कॉमा आर वेक्टर आर बेस वेक्टर्स ऑफ एल वेक्टर। राइट है भाई, ऑफ एल वेक्टर। लिखते चलना भाई, काम की बात। ठीक है, अब जिन्होंने ये वाली बात लिख ली यहां तक की बात, तो उसे वापस बताता हूं। देखिए बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये आपको बाद में समझ में आएगा कि जैसे ये ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग अगले चैप्टर के अंदर इस तरह दिखाने लग जाएंगे ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री। समझ में आया आपको? इस तरह से दिखाने लग जाएंगे। तो जब हम लोग इस तरह से दिखा रहे होते हैं ना, तो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने लगता है। मैं आपको इसको समझाता हूं ठीक है, इसको समझाने के लिए ठीक है एक ये भी दे दें। हाँ भाई, इसको समझाने के लिए अपने को ये समझना जरूरी है। देखिए कि ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस z एक्सिस, उम्मीद है ये बात समझ में आ जाएगी ठीक है ना भाई। x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस पकड़ में आ गया ठीक है ना। राइट नाउ अगर देखा जाए तो मैं आपको इसको ये समझा देता हूँ कि अगर मैं ये जो
ग्रीन पेन है और ये जो पिंक पेन है, यहां पे अगर एक कागज का पन्ना ऐसे लगा दू, चिपका दू, चिपका सकता हूं इन दोनों पे, मैंने कागज का ऐसे पन्ना चिपका दिया, चिपका दिया, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये चिपकाने के बाद में अब अगर भाई दुबे मैं एक कागज का पन्ना इस साइड में भी चिपकाना चाहता हूँ, चिपका दिया, देख रहे हैं आप, एक अपन ने इधर चिपका दिया है, एक अपन ने इधर चिपका दिया, एक अपन नीचे चिपका देते हैं, तो आप में से कई लोग समझ जाएंगे इस जगह एक चैम्बर बन गया। Yes, समझ रहे बात को? जैसे एक चैम्बर यहां बना वैसे एक चैम्बर यहां भी बनेगा। Yes, अरे कागज का पन्ना इधर चिपकाऊंगा, इधर चिपकाऊंगा, नीचे चिपकाऊंगा, तो एक चैम्बर यहां बना, एक यहां बना, बन गया, दो अलग अलग चैम्बर बन गए, एक पीछे बनेगा एक आगे बनेगा, ऐसे ही दो चार चैम्बर नीचे बनेंगे। तो ओवरऑल ये जगह ओरिजिन कहलाती है। ये जो है ना, ये ग्रीन पेन, ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ नेगेटिव या इधर की तरफ पॉजिटिव, तो उधर वाला नेगेटिव, बात समझ में आई। ये अगर वाई एक्सिस है तो ये अपसाइड में पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस, ये बात समझ में आती है। अच्छा, ये कहलाता है ऑक्टेट, ठीक है ना, ये ऑक्टेट कहलाता है। अब जैसे कोई एक वेक्टर है, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए मेरे को ओरिजिन से चलना है, ये ओरिजिन, जैसे किसी जगह पे मेरे को लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, किसी जगह पे इस तरह से मिला गया मेरे को कि 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझाता हूं, हम लोग इसको अगर भाई देवे आगे अगले चैप्टर में लिखना चालू कर देंगे कि इट इज 2 3 4, लेकिन हम लोग वेक्टर और 3d दोनों एक साथ पढ़ते हैं, ध्यान से समझ लेना भाई। जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो आधे से ज्यादा 3d पूरा हो चुका होता है, तो इसलिए क्या चैप्टर का एहसास नहीं होता बदलने का। तो ये 2i कैप कैसे चलेगा, पहले आप x एक्सिस के नाम पे 2 चलेंगे, x एक्सिस के नाम पे 1 2 चलिए, x एक्सिस के नाम पे 1 2 2 कदम चलिए, तो 2i कैप हो गया। 2i कैप के बाद में अब आपको 3j कैप चलना है, तो आपका y एक्सिस इधर है, ऊपर ले लेते हैं, अगर y एक्सिस के नाम पे 3 चलता हूं तो 1 2 3 यहां पे पहुंच गया। अब जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो माने मैं ये जो पन्ना होगा ना, ये वाला पन्ना, इस पे ही खड़ा हूं अभी भी, तो दुनिया कहेगी कि मैं xy प्लेन पे खड़ा हूं। तो अगर देखा जाए 2i कैप प्लस में 3j कैप, अभी मैंने k कैप का नाम नहीं लिया है, तो यहां पे होगा 2 3 0, यहां वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 3 0। अब मैं जैसे ही मैं उधर चलना चालू करूंगा तो 1 2 3, अब मैं इस जगह पहुंच जाऊंगा भाई, इस जगह से 2 3 0 से चलना चालू हुआ 2 3 1, फिर एक कदम और चला 2 3 2, फिर 2 3 3, फिर 2 3 4, यहां पे पहुंच गया मैं। अब जैसे ही मैं यहां पहुंचूंगा तो ये वाला तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना, जब ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ओरिजिन से मिलाने पर ऐसे दिखेगा, आपको समझ में आया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और जैसे मैं इस पॉइंट पहुंचूंगा ये कहलाएगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब ये कहलाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, आपको बात समझ में आ गई। तो बेसिकली 2i कैप होगा, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ भाई, पॉइंट क्या चल रहा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, इसके बाद में लिखेगा पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पोजिशन वैक्टर, ठीक है। इसमें आगे लिखेगा पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू में पोजिशन वैक्टर ऑफ बी वैक्टर माइनस में पोजिशन वैक्टर ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, लिख लिया।
हाँ, इसी चीज को तो मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे ए बी वैक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट बी माइनस ए वैक्टर, ये कैसे हुआ सर? अरे बहुत सिंपल है, पता है ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ साहब, देखिए जैसे ये रहा ए बी वैक्टर, ऐसे ले लू एक ए बी वैक्टर, अगर मैंने ए बी वैक्टर लिया तो ए से बी की ओर जाना चाहिए। अच्छा, जिस दिन मैं इसको ओरिजिन को, इस ओरिजिन से इसको मिलाऊंगा, इसका नाम ओ ए पड़ जाएगा, ओ ए पड़ते ही मेरे को यहाँ पे ए वैक्टर दिखाना पड़ जाएगा। अच्छा, जैसे मैं इसको मिलाऊंगा ये ओ बी वैक्टर का नाम बी वैक्टर पड़ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सोचिएगा, अगर आपको ध्यान हो तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो दो फॉलो करते हुए एरो और सामने से इधर से आता हुआ एरो, ये इनका रिजल्टेंट देगा। तो मैं अपनी तरफ से देखा जाए तो बोल सकता हूं OA वेक्टर, OA वेक्टर प्लस, प्लस में कितना AB वेक्टर, इज इक्वल टू में कितना OB वेक्टर, ऐसे बोल सकता हूं। तो इसका मतलब AB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, OB वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ऐसा बोल दें। इसीलिए AB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यही बात मैंने भी बोली थी, सही है कि AB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। और यही बात मैंने यहां भी लिखी है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, पॉइंट नंबर 4। ठीक है भाई, If A vector is equal to A1 i cap plus में A2 j cap plus में A3 k cap and B vector is equal to B1 i cap plus में B2 j cap plus B3 k cap। ठीक है भाई, मैं इसको OA और OB नाम दे रहा हूं। ठीक है, OA vector and OB vector ऐसे नाम दे रहा हूं। ठीक है, आप मुझे बताने वाले हैं, मेरा क्वेश्चन है मॉड ए बी वैक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बताइए मॉड ए बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत सिंपल बात पूछी है, फटाफट फटाफट सोचना चालू करो। अभी अभी आपने ए बी वैक्टर सुना है, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ऐसा लिख सकता हूं भाई? अच्छा, ओ बी माइनस ओ ए लिखते ही मेरे को पता है ये रहा ओ बी, ये रहा ओ बी, ये रहा ओ ए। क्या आपको आता है OB माइनस OA में कौन किस में से घटेगा? क्या आई कैप वाला आई कैप में से, जे कैप वाला जे कैप में से, और के कैप वाला के कैप में से। अरे इतना समझ में आ रहा है ना? तो आप में से सभी को बताओगे यहां पे क्या लिखूंगा मैं, B1 माइनस A1 आई कैप प्लस में कितना B2 माइनस A2 जे कैप प्लस में कितना B3 माइनस A3 के कैप, यही तो होगा। और अगर ऐसा हो गया तो आपको पता होगा मॉड का मतलब तो मैं भूल ही गया, बता दोगे तो अच्छा लगेगा, अंडरूट में इन सबका स्क्वायर, तो इट इज B1 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस में B2 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस में, आपसे बताएं जैसे जैसे मैं वेक्टर समझता जा रहा हूं ना, उल्टा मेरे को परेशानी होने लग गई है, मुझे पता चलता जा रहा है कि आप वेक्टर का बहुत सिंपल सिंपल बात से भी डरते हो, ऐसा खौफ नहीं होना चाहिए, वेक्टर तो एकदम रद्दड़ चैप्टर है, अपन इसको भाव ही नहीं देते, आप लगता है ज्यादा भाव दे गए। हाँ, अरे इतना इतना दिमाग लगा लिया आपने क्या, आप डर ही गए? अरे कुछ नहीं है, ए बी वेक्टर, चलो बताओ ऐसे ही सोच लो, अगर मान लो मेरे को किसी ने कहा एनपी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बोलो, अरे पी माइनस एन नहीं है, अगर मान लो किसी ने MN वेक्टर बोल दिया तो इसका मतलब क्या समझो, N माइनस M, टेल माइनस हेड। ठीक है, अरे मैं, आप मेरे को MN वेक्टर लिखोगे मैं तुरंत लिखना चालू कर दूंगा N1 माइनस M1 i कैप प्लस में कितना N2 माइनस M2 j कैप प्लस में N3 माइनस M3 के कैप, काम खत्म। अभी भी नहीं आया समझ में? अरे इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, हाँ बस फैला फैला के लिखना है, उसका दर्द है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पता है वो रिलेशन वाले चैप्टर जैसा है जिसमें एक ही बात को बकवास की तरह से लिखे जाना होता है बस। ठीक है, बाकी अंदर खाने में तो कुछ नहीं है, इसमें क्या दर्द है बताओ। अच्छा एनीवे, पोजीशन वेक्टर की बात चल रही थी, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है जब भी जैसे पोजीशन वेक्टर के ऊपर चर्चा चलेगी ना, तो जैसे ये वाला पॉइंट है, कुछ नहीं एक धागा यहां खींचना है, एक इसका पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर आगे लो, काम खत्म।
ठीक है। अच्छा अभी तो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, बाद में तो खुला खेल चलेगा। हाँ जैसे मान लो अगर भाई देवे हेक्सागन आ गया, अगर भाई देवे हेक्सागन आ गया और ये सारे सारे डिफरेंट 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 वेक्टर्स हैं और किसी ने कह दिया कि वी आर टेकिंग ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ दिस, तो भी हमारे लिए खेलना कोई मुश्किल नहीं है। हम मान लेंगे वाकई में सेंटर है। अब की बार जैसे मान लो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, तो मेरे को यहां से बदल जाएगा, दिस लाइन इज इक्वल टू ओबी माइनस ओए नहीं है। अच्छा अगर भाई देवे यहां से इसको मिलाऊंगा दिस पॉइंट इज सी, तो ये वाला जो वेक्टर होगा दिस इज ओसी माइनस ओबी, थोड़ा डर रहेगा, वो आंसर नहीं मिलने का डर है, लेकिन शुरू नहीं करने का डर तो अजीब ही है। हाँ ये गलत तो नहीं बोल गया अपन, ओए माइनस ओबी सही है क्या भाई? हाँ सही, तो सही बोलना चाहिए, ओए माइनस ओबी कई को ऐसा टेल माइनस है बी माइनस ए। अरे ये आपको पता है ये वेक्टर का नाम तो बोलो, बी ए वेक्टर। जैसे आपने बी ए वेक्टर बोला आधा काम खत्म हो गया। हाँ टेल माइनस एड बोले तो ओबी माइनस ओए सही है भाई, ओए माइनस ओबी। अच्छा और सोचते हैं एक बार के लिए, जरा बी इधर ले लेता हूँ ए यहां ले लेता हूँ, राइट है, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट इट इज टर्मिनल पॉइंट सही है भाई, पक्की बात है ना भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट और वो टर्मिनल पॉइंट इज टेल और इट इज हेड, पक्की बात है, टेल माइनस हेड। अच्छा जिनका भी ये बात बराबर गया, आगे बढ़ने का टाइम आ गया, मेरा अगला क्वेश्चन समझना भाई। हाँ भाई इसके बाद का पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर पांच पे आ रहा हूं। हाँ भाई पॉइंट नंबर पांच में मेरे को क्या बताना था, यस हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा फटाफट से, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लिखिएगा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है भाई, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस लिखिया वेयर ij के आर बेस वेक्टर्स, वेयर ij के आर बेस वेक्टर्स, वेयर ij के आर बेस वेक्टर्स लिख लेना, देन वी कैन नेवर रिप्रेजेंट 2i cap is equal to minus 3j cap plus 4k cap. Then we can never represent 2i cap minus 3j cap plus में 4k cap. ध्यान रखना as ij के आर बेस वैक्टर्स, एज ij के आर बेस वैक्टर्स, पहले तो लिखते चलो, मेरी अगली लाइन आपको समझा दी, एज ij के आर बेस वेक्टर्स एंड एनी ऑफ द बेस वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एंड एनी ऑफ द बेस वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम और डिफरेंस ऑफ अदर बेस वेक्टर्स एंड एनी ऑफ द बेस वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम और डिफरेंस ऑफ एनी ऑफ द बेस वेक्टर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी ऑफ द बेस वेक्टर्स। भाई इतनी बात सीधी सीधी समझ के चलिएगा, बेस वेक्टर है तो बेस वेक्टर ही है भाई, उसके बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि वो वेक्टर भी किसी और में तोड़ दिया। जैसे इसको लिखने का मतलब हो गया कि आपने आई कैप को किससे तोड़ दिया, जे कैप और के कैप ने, जे कैप और के कैप मिलकर के आई कैप दे रहे हैं, फिर काहे का बेस वेक्टर है? नहीं आई बात समझ में, बेस वेक्टर माने लास्ट यूनिट, इसके नीचे कुछ नहीं हो सकता। इसका लिखने का मतलब हो गया कि ये वाला वेक्टर भी खुद दो से बना है। अरे अगर आपने 2i कैप बराबर में माइनस का 3j कैप प्लस में 4k कैप लिख लिया ना, इसका मतलब ये कि i कैप जो है वो j कैप और k कैप से मिलके बना है। फिर इसका मतलब ये कि i कैप लास्ट नहीं था, वो खुद भी आगे किस में था, j कैप और k कैप में था। मान लो ऐसा नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से सुनो, अगर आपने इसमें हां भर ली तो आप दूसरे तरीके से कैसे फंस जाओगे कि आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद में बच्चा इसको उधर ले जाएगा, वो इसको लिखेगा 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप इक्वल टू 0, और जैसे वो ये लिखेगा आप a वेक्टर को 0 प्रूव कर दोगे, और a वेक्टर को 0 प्रूव करने का मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से बंदा चला ही नहीं था, जबकि आपको तो पता होगा कि ओरिजिन से बंदा पहले x एक्सिस पे 2 चला, y एक्सिस पे 3 चला और z एक्सिस के नाम पे पीछे चला 4 की ओर। इसका मतलब ये कि उसने ओरिजिन से काफी लंबा गैप कवर कर दिया, बट उसके बावजूद भी आप उसे क्या दिखा रहे हो,
कि दो तो जीरो चला, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। नहीं आया समझ में? तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑफ द बेस वेक्टर एज अ सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी अदर टू बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर माने लास्ट। अब आप इसे और ना तोड़े, सही है? एनीवे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है भाई? आगे लिख लीजिएगा बट, इसी के अंदर आगे लिखिएगा बट ए वन आई कैप प्लस में ए टू जे कैप प्लस में ए थ्री के कैप इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस में बी टू जे कैप प्लस में बी थ्री के कैप। लिख लिया? हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लिख लिया, ये इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। ऐसा लिखना फिर भी संभव है कि एक का वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर हो सकता है। अरे पूरा वेक्टर है, वेक्टर दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ये फिर भी पॉसिबिलिटीज है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्विवेलेंट हो सकता है, एक बेस वेक्टर दूसरे बेस वेक्टर का सम और डिफरेंस नहीं हो सकता। अच्छा खैर, पॉइंट नंबर ए बी सी डी, डी पे आ रहा था, ठीक है? पोजीशन वेक्टर के बाद का अगला वेक्टर, ठीक है, ई। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेगा, ठीक है? अगला इज को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। ये तो फिर चिरकुट चिरकुट है, पहला दिन तो ये बकवास में निकलेगा। को इनिशियल वेक्टर्स लिख लिया, को इनिशियल वेक्टर में लिखेगा टू वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स, टू वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। टू वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये को इनिशियल वेक्टर बच्चा बच्चा जानता है साहब, दोनों का एक साथ स्टार्टिंग हो गया, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, राइट है? लिख लीजिएगा ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा ऐसे पूछ लेता हूं, बताओ एन पी वेक्टर और एन एस वेक्टर। हाँ भाई बताओ, ये को इनिशियल वेक्टर है क्या? सोच के बोलना, है? दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एन है, सही है? हाँ भाई अगले पे आ जाओ। हाँ तो दिस इज को इनिशियल वैक्टर। अच्छा सेकेंड पॉइंट में लिखेगा, ठीक है? टू को इनिशियल वैक्टर्स आर ऑलवेज लाइंग इन अ सेम प्लेन, टू को इनिशियल वैक्टर्स, टू को इनिशियल वैक्टर्स ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन, टू को इनिशियल वैक्टर्स ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ठीक है? अगली लाइन में लिखिएगा मोर देन टू को इनिशियल वैक्टर्स, मोर देन टू को इनिशियल वैक्टर्स, मोर देन टू को इनिशियल वैक्टर्स मे और मे नॉट लाई, मे और मे नॉट लाई इन सेम प्लेन। More than two co-initial vectors may or may not lie in the same plane. हाँ भाई देखिए सीधी बात है, जैसे ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों co-initial हैं, इनको आप कैसे भी पकड़ लो ये हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, क्योंकि एक पेपर पे इन्हें चिपकाया जा सकता है। मान लीजिए आपने इसको इधर कर दिया तो भी एक पेपर पे आ जाएगा, मान लीजिए आपने इसे कर दे रहे तो भी एक पेपर पे आ जाएगा। जब तक ये एक पेपर पे आते रहेंगे they will be coplanar vectors, same plane में आने वाले vector। लेकिन अगर भाई ये तीसरा पेन आ गया इनके बीच में, जैसे सपोज करो ये तीसरा पेन आया, है ना, अब ये एक प्लेन में नहीं है। हाँ लेकिन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी भी है, तो आप इसीलिए बोलते हैं कि जैसे दो से ज्यादा हुए तो गारंटी नहीं है कि हर बार एक ही प्लेन में मिलेंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी। बस यही बात समझानी है ना। आगे पॉइंट पे लिखिएगा, अगला पॉइंट है कोइनिशियल वेक्टर के बाद में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा पैरेलल वेक्टर्स। अगला पॉइंट इज पैरेलल वेक्टर्स, जल्दी पैरेलल वेक्टर्स, पता ही होगा। हाँ भाई पैरेलल वेक्टर के अंदर भी दो तरह के वेक्टर होते हैं, पता ही होगा कौन कौन से, क्या? एक तो लाइक, याद है आपको लाइक वेक्टर्स, और दूसरा कौन सा? अनलाइक वेक्टर्स। अरे यार कुछ भी ध्यान नहीं है, हवा तक नहीं है, ठीक है? अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। एक तो लाइक वेक्टर होता है, और लाइक वेक्टर के सिवा
अनलाइक वेक्टर किसके पता है ये तो बता दो, पता किसको है ये तो समझा दो मेरे को। हाँ भाई आगे के किसी बच्चे को पता है क्या लाइक वेक्टर के सिवा? अपोजिट वेक्टर्स, अनलाइक। देखो अब ये ठीक है मन में आ गया तो बोल रहे हैं अरे अनलाइक ये होता है भाई, ठीक है। हाँ लिख लीजिएगा लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर्स, क्या तुम भी। और अनलाइक बोलते हैं इतना घबराते हो ना जैसे बोल रहे क्या गलत बोल दिया। ना 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 अनलाइक नहीं कुछ और नाम था, अरे लाइक अनलाइक होता है, ठीक है। लाइक वेक्टर कब होता है सर? जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, पक्की बात है क्या? अच्छा और अनलाइक वेक्टर कब होगा? जब दोनों की डायरेक्शन इज डिफरेंट। लिख लीजिए बस और क्या, आप भी कहाँ दिमाग लगा रहे हो। हाँ भाई हाँ, लेकिन काम की बात क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, इसमें ये सब बकवास है। आगे के पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट नंबर टू में, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर, तब हम लोग कहते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है, ठीक है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, इट इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये बहुत काम की चीज है। अगर कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है, भले लाइक हो चाहे अनलाइक हो, व्हाटएवर इट इज, दोनों केसेस में ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लगेगा, काम की बात है। अच्छा अगर भाई जो दो वेक्टर आर कोइंसिडेंट वेक्टर, देन कोइंसिडेंट वेक्टर हो सकते हैं क्या? अरे कोइंसिडेंट वेक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? माने एक ही एक के ऊपर एक आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या दोनों का बराबर होना जरूरी है क्या? नहीं ना। हाँ तो ध्यान रखना ये भी हो जाएगा, तब भी ए वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा बी वेक्टर ही काम करता है, ठीक है। आप तो आगे चलते जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है इस जगह। हाँ भाई इसके बाद की बात पे जिन्होंने यहां तक लिख लिया उनको अपन यहां पे लिखवा लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए फटाफट से। हाँ भाई लिखेगा a1 i cap plus में a2 j cap plus में a3 k cap is equal to lambda into में b1 i cap plus में b2 j cap plus में b3 k cap। लिख लिया। लिखने के बाद में आपको बताए दो वेक्टर अगर आमने सामने बैठे हैं तो i cap इसके साथ मैच होगा, j cap के साथ और k cap के साथ। अगर आपने ऐसा मैच कराया तो आपको पता चलेगा a1 is equal to lambda b1, a2 is equal to lambda b2 और a3 is equal to lambda b3 होगा। ये बात समझ में आई? इससे सीधी बात समझ में आती है कि लैम्डा इज इक्वल टू में b1 upon a1 upon b1इज इक्वल टू में a2 upon b2 इज इक्वल टू में a3 upon b3। इसीलिए दो वेक्टर अगर कभी भी पैरेलल होते हैं तो उनका बेस वेक्टर प्रोपोर्शनेट होता है, उनका बेस वेक्टर का कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट में आ गए। अब अपन धीरे धीरे सरकते सही जगह पे आते जा रहे हैं। हाँ भाई यहां से थोड़ा बहुत मैथमेटिकल होना चालू हो गई है अब चीजें। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल, चलते चलो आप तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल लिख लिया। एक बार के लिए मैं वेक्टर उठा रहा हूं एक्स आर वेक्टर, लेट से एक कोई आर वेक्टर है जिसका नाम है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है। बहुत जबरदस्त चीज अब आई है। हाँ साहब ऐसा है कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। हाँ ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, इस पूरे कहानी का जो प्राण है वो यही है, जिसमें ऐसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा सही चीजों को पकड़ने लग गया। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। अच्छा अभी अपन ने निकाला था कि 2 3 4, एक बार वापस उसी से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इधर तक 2 आया, यहाँ 3 गया और 4 अप गया, ऐसा ले लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है ना भाई। अच्छा अगर अपने ले लिया तो 2 फिर 3 आगे फिर ऊपर ऐसा गया। अच्छा जिन्हें ये बात समझ में आ गई उनके लिए एक बार के लिए मैं इस चीज को यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ऐसा पहले मैं 2 पॉइंट यहां गया, फिर 3 पॉइंट इनसाइड हुआ, फिर 4 पॉइंट अप हुआ, यहां तक बात समझ में आ गई। पहले मैं 2 पॉइंट इधर सरका, फिर मैं 3 पॉइंट वाई एक्सिस में सरका और 4 पॉइंट अप गया हूं, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा जिन्हें ये बात समझ में आ गई उन्हें एक और बात बताता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे मिलाना चालू करूं, ठीक है ना भाई, ऐसे मिलाना चालू करूं
आप में से कई लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंगली एक बात समझ में आ जाएगी कि मैं धीरे से क्यूब पे आ गया हूं, ठीक है ना। और जिसे पोजिशन वेक्टर बोलते हो ना, वो ये वाला एंगल हो गया, ये वाली लाइन हो गई। ये बात समझ में आई? जिसे आपने अगर बाय द वे ऐसे ओ अपन ने नाम आर दिया है ना, तो अपन इसको ओ आर ले लेते हैं, इसका मतलब ये आर वेक्टर हो गया। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ, तो जो से आप ओ आर वेक्टर बोल रहे हो, दिस इज मेन डायगोनल, मेन डायगोनल है वो इस क्यूबॉइड का। अभी भी नहीं आया? हाँ, क्यूबॉइड का मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। अब जिन्हें एक और, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी गजब की है ना, अचानक से आपको दिखने लग जाएगा अरे ये इस तरफ कैसे चला गया। अब जिन्हें ये बात समझ में आ गई कि हाँ चलो चला गया, उन्हें के एक और बात पूछता हूं मैं। अगर बाय द वे इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब मैं यहां पे चला है ना, एक्स आई कैप, आई कैप तो याद है ना, वो एक 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 कदम पे था, तो मैं एक्स टाइम चला आई कैप, दैट इज एक्स आई कैप, ठीक है ना भाई। अच्छा, तो ये यहां पर आते थे, इट इज एक्स जीरो जीरो। आपको अगर एक्स वाई जेड में समझने में हल्की सी मुश्किल है तो मैं इसे बोल देता हूं एक बार टू जीरो जीरो, चलेगा, ताकि अपना वो टू थ्री फोर चलता रहेगा। तो मैं यहां से दो कदम चला तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे कोऑर्डिनेट हो गए टू थ्री जीरो। जब मैं तीन यो चला तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए थे टू कॉमा थ्री कॉमा जीरो, सोच लेना आप। अच्छा, जब एक मिनट के लिए अब मैं चार और ऊपर गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए टू थ्री फोर, बराबर है ना भाई। अच्छा, अब थोड़ा सोचना और पड़ेगा। अगर मेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना होता, लेट से, ठीक है ना, अपन इसको नाम दे रहे हैं एक्स और इसको नाम दे रहे हैं जेड और इसको नाम दे रहे थे वाई, ऐसे नाम दे रहे थे ना भाई, एक्स वाई जेड। अच्छा, कितने लोगों को यह समझ में आ गया, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन दिख रहा है आपको? अच्छा, मैं अगर एक्स जेड प्लेन पूछूं तो बता सकते हैं कौन सा वाला, पीछे वाला, बाजू वाला या नीचे वाला? पीछे वाला एक्स जेड प्लेन है, सही है भाई। अच्छा, जिन्हें एक्स जेड प्लेन दिख रहा है वो ये भी जानते हैं कि मेरे को अगर इस पॉइंट पे पहुंचना होता तो मेरे को दो यू जाना था और चार ऊपर जाना था, तो मेरे लिए 204 हो गया। ये बात पकड़ में आती है? नहीं है, मतलब मैं वाई एक्सिस में मूव ही नहीं हुआ, दो यू गया और सीधा ऊपर चार चला गया। मैंने मैं वाई एक्सिस के लिए तो आगे मूव होना था ना भाई, हमारा मूवमेंट कैसा था भाई, लेफ्ट राइट, ठीक है ना, और बैक एंड फ्रो, अप एंड डाउन। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं वाई एक्सिस में मूव नहीं हुआ, इसका मतलब मैं बैक एंड फ्रो नहीं हुआ, मैं सिर्फ सिर्फ लेफ्ट राइट मूव हुआ, फिर अब की साइड में चला गया, अप एंड डाउन वाले मूवमेंट में चला गया। इसका मतलब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट टू जो भी हुआ। अच्छा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर मेरे को मान लो यहां आना होता तो इसका मतलब मेरे को कैसे चलना था, ठीक है? देखो साहब, ये कितना चला मैं, यहां कितना चला था, थ्री। तो इसका मतलब मैं ओरिजिन से सीधा तीन पहुंच करके यहीं पहुंच जाता, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जीरो थ्री जीरो, सोचो। अच्छा अच्छा अच्छा, धीरे 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 बहुत सारी चीजें सीखनी है अपने को, और जो अपन आज सीखेंगे अपने को अब एक महीने तक संभाल के रखना है कि अपन ने जो सीख लिया एक बारी में पक्का हो जाएगा वो काम। अच्छा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आ रहे, कैसे जाऊं, यो तीन चला जाऊं फिर चार ऊपर पहुंच जाऊं, तो इसका मतलब जीरो थ्री फोर, सोच लिया आपने, मैं एक्सरसाइज में मूव ही नहीं हुआ, सीधा बाहर आया तीन और चार ऊपर चला गया। अच्छा, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो चार, सही है भाई। अब अपन शायद मेरे अंदाजा है ऑलमोस्ट हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, है ना भाई। अरे आप तो काम की चीज, देखो आपको तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आपको थियोरेटिकली बताता हूँ, फिर जब दिल पे यकीन, मतलब आपके दिल पे यकीन नहीं आए तब अपन इसको है ना दिमाग से खेलेंगे। ये वाले पॉइंट को अगर मैंने, ये जो पॉइंट है अगर मैंने इसको इससे मिला दिया, इस पॉइंट को अगर मैंने इससे मिला दिया तो ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, है ना। मैंने कहा था ना दिल पे यकीन नहीं आएगा, अब चुपचाप देखना, ठीक है, सोचने पे शायद दिख जाएगा, मेरे को कोशिश करने दो, है ना भाई। हाँ, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए और मुश्किल था, पहले कई सालों तक समझाएंगे भाई, मैं कह के मर जाता था, फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि बेटा तू जब तक सामने से नहीं दिखाएगा ना तब तक नहीं मानेंगे ये लोग। देख भाई, पहले अपन ओरिजिन से दो इधर आ चुके हैं, ओरिजिन से दो इधर आ चुके हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये दो पॉइंट है अपना, यो ओरिजिन से इस जगह पे आर है, इस जगह पे क्या आ रहा है, आर बाहर आया हुआ है, सही भाई। अरे आराम सोच लेना, यहां पे आ रहा है ये ओरिजिन से, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हटा लिया है, पहले मैं दो सिर्फ यहां चलाऊं। आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, पहले तो अगर आप समझे तो, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, इन दोनों को, नहीं आया समझ में?
तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री बनेगा, ये ओरिजिन्स ये एक्स एक्सिस से, देखो आप अभी भी नहीं आया समझ में, बन रहा है क्या? अब मैं यूं दिखा रहा हूं, अरे नहीं आया समझ में, कोशिश करते हैं और किसी तरीके से कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, ये आपका वाई एक्सेस वापिस जिंदा कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस, ठीक है, हालांकि पेन थोड़ा छोटा रह गया इसलिए शायद अपने को लफड़ा कर रहा है, ठीक है, और यहां से देखेगा आप, अभी आपको दिखा, आप ऐसे देख रहे हो नहीं आया समझ में, ये जो है ना इस जगह से मैच करा रहे हो आप, इसके इस पॉइंट से इस जगह पे प्रोजेक्शन डाला आपने परपेंडिकुलर, नहीं आया समझ में, जिन्हें ये नहीं पकड़ में आया यार, अब इसको कैसे बताऊं मैं आपको, ठीक है, शायद मेरे अंदर ख्याल है आप में से कोई अगर उधर तक देख सके तो देखेगा, ठीक है, जरा देखना ये डब्बा है ना, इसका ये वाला पॉइंट आर है, ये वाला पॉइंट क्या है, आर है। अच्छा जो ये आखिरी पॉइंट है ना अंदर से, ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन है, सही है, ओरिजिन से कोई दो यूं आया, ठीक है, तीन इधर आया और चार ऊपर गया तब आर पे पहुंचा है। अब अगर भाई देखो कोई भी बच्चा, ठीक है ना, इस जगह से इस जगह को मिलाता है, देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन को मिला रहे हैं अपन, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ये लाइन और नीचे वाली लाइन, ये नीचे अगर यहां पे लाइन बनाएंगे ना तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये बात आपके समझ में आई, ये 90 डिग्री है एक्चुअल में, लेकिन वो ऐसा अड़ा हुआ है ना, ऐसा टेढ़ा है तो शायद आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप कभी भी देखोगे तो ये ऐसा है, ये जैसे अगर बाय द वे इस लाइन के पैरेलल में यो भी जाओगे तो भी 90, ये लाइन और ये लाइन आपस में 90, अब आप इसको उठाना चालू करो, बात समझ में आई आपको, इसको आप उठा करके कहीं भी ले जाओ भले, ये हर बार कैसा रहेगा 90 रहेगा, अभी भी नहीं आया समझ में, हाँ ये 90 डिग्री है, इसीलिए अपने को क्या क्लिक नहीं करता ये कि यहां ये 90 है। अच्छा इतना क्या पीछा कर रहे थे सर, ये 90 प्रूव करा के दम लिया आपने, इसलिए मेरे को पीछा करना पड़ गया, क्योंकि आप में से कई लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन गिरता है, नहीं आया समझ में, अगर ये एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब ये कि 2, 3, 4 का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज x200। अब आपको प्रोजेक्शन भी समझना पड़ेगा, प्रोजेक्शन 6 हैं, 6 प्रोजेक्शन, अरे कुछ नहीं है बच्चों वाली चीजें, एक बार पकड़ में आ गई ना तब तक आपको मुश्किल है जब तक आप सुन रहे हो, जिस दिन आपने पकड़ के अपने किसी दोस्त को सुना दिया बेटा ये प्रोजेक्शन है, आपको बस एक कमजोर दोस्त मिल जाए जिसे कुछ ना पकड़ में आया, जैसे ही मिला आप समझ जाओ बस उस दिन आपको सब समझ में आ गया कि 6 प्रोजेक्शन थे। देख भाई इस पॉइंट का इधर प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, जिस दिन इसको इससे मिलाऊंगा एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन, अच्छा जिस दिन इधर मिलाऊंगा तो ये कहलाएगा, ये भी प्रोजेक्शन है, ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन, ये एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन, एक्स वाई वाई एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन है, ये एक्चुअल में ये जो बन रहा है ना ये भी बड़ा यूनिक है, मैं इसको क्या, हम जो चीज देख रहे हैं ना वो देख रहे हैं 2D में और हम समझ रहे हैं 3D में, एक्चुअल में कहानी 3D में, ये ऐसा डब्बा है जो बाहर आया हुआ है, ठीक है ना। अब जरा इस चीज को जरा मैं कोशिश करता हूं उधर ही समझाने की, जरा समझिएगा आप में से कोई, हालांकि मेरे को पता है बैल बज गई, लेकिन है ना मेरे को नहीं लगता कि अपना वो लिखने पढ़ने का दौर खत्म है, आप तो समझ लो क्योंकि कल फिर वापस इसी लेवल तक जाना, और थियोरेटिकली इसमें जितना होता है ना फर्स्ट डे खत्म करते हैं बस अपन, ठीक है, समझना भाई, ये जो यहां प्रोजेक्शन गिरेगा ना ये एक्स एक्सिस है, ये जो नीचे वाली लाइन है ना दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन इज एक्स एक्सिस, ये जो इधर से लाइन आएगी ना ये वाली वाई एक्सिस, और जो पीछे की तरफ से लाइन जा रही है ये वाली जेड एक्सिस। अच्छा इससे प्रोजेक्शन अगर इस पे मिलाया तो ये प्रोजेक्शन कहलाएगा एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन। अच्छा ये जो है ना ये जो नीचे वाला ये वाला बेस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलने के कारण एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। अच्छा और जो पीछे वाला प्लेन है बिल्कुल इसके पैरेलली जो पीछे वाला प्लेन है
दैट इज एक्साइड प्लेन। अच्छा इधर की तरफ जो छुपा हुआ प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है। अच्छा इससे इस वाले पॉइंट से अगर मैं इस पे इसको लाइन मिलाता हूं, ये वाली लाइन मिलाया, तो दुनिया कहेगी कि मैंने प्रोजेक्शन डाला वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे। समझ में आया? वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन डाला। तो एक प्रोजेक्शन नंबर वन वाई जेड पे, एक प्रोजेक्शन नंबर दो एक्स जेड एक्स एक्स वाई पे, एक एक्स वाई पे है ना भाई। अच्छा और अगर मैंने प्रोजेक्शन पीछे वाले पे डाल दिया, पीछे वाली पे एक्सैक्ट, तीन प्रोजेक्शन तो प्लेन पे पड़े और ऐसे तीन प्रोजेक्शन तीन एक्सिस पे पड़ेंगे। एक प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना भाई, एक प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ऐसा आड़ा, देख रहे हैं आप, ऐसे आड़ा जो जाएगा वो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा। और कौन सा रह गया साहब? जेड वाला कहां है? इधर, एक इधर और एक पीछे जो ऊपर से जाएगा, नहीं आया? हाँ वो ऊपर से जाएगा, वो दिखेगा नहीं। आप यूं समझ सकते हो कि ऐसे जा रहा है वो, यूं अड़ता हुआ नीचे इसके पैरेलली। तो कुल मिलाकर के हमारे पास छह प्रोजेक्शन है। छह प्रोजेक्शन समझ में आए आपको? हाँ, ये सब हमारे दर्द हैं, सब हमारे को पता होना चाहिए। सामने वाला ऐसे मस्त आराम से खेलेगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्शंस, अब हम दिमाग लगाते फिरेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन कौन, कुछ नहीं है। एक बार बस आपको किसी को समझाना है, जिस दिन आपने एक बार किसी को समझा दिया सबको आ जाएगा दिमाग के अंदर, खट प्रकट हो जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई? तो उम्मीद है आपको ये तो पकड़ में आ ही गया होगा कि जब आप ऐसे, एक लास्ट लाइन और बोल रहे थे, ध्यान से सुनना, जब भी आप ऐसे पोजीशन वेक्टर दिखा रहे होते हो, ये पोजीशन वेक्टर दिखाया मैंने ओ आर, जब भी आप प्रोजेक्शन वेक्टर दिखा रहे होते हो तो इनडायरेक्ट वे में क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। हर बार आप क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो आज तो अपन ने कोई डायरेक्शन कोसाइन वगैरह किसी तरह की कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, थोड़ा ठहरा हुआ टॉपिक होता है पहले दिन का। तो पहले दिन तो बहुत ठहर जाता है, क्यों? क्योंकि लिखना और अजीब अजीब सी बातें करना, वो पोजीशन वेक्टर और डरावनी डरावनी बातें, अगले दिन से मस्त चलता है डायरेक्शन कोसाइन से। ठीक है, बाकी कल करते हैं चर्चा, ठीक है।